हेलो एवरीवन, आप सभी का वर्डप्रेस की एक और नई वीडियो में है फिर से स्वागत। आज के इस वीडियो में हम प्लगइन के बारे में डिस्कस करेंगे जिसकी हेल्प से हम पोस्ट में ऐड कर सकते हैं फंक्शनैलिटी के कोई भी यूज़र हमारे पोस्ट के रिगार्डिंग फीडबैक दे। जैसे आप यहां देख सकते हैं कि ये एक यूट्यूब के रिगार्डिंग पोस्ट है और नीचे कोई भी यूज़र फीडबैक दे सकता है अपना आंसर हाँ और ना में देकर। इसमें क्वेश्चन किया गया है कि ये पोस्ट आपके लिए उपयोगी थी या नहीं, तो उसमें हम हाँ आंसर दे सकते हैं हाँ में भी और नहीं में भी। अगर हम हाँ में देते हैं तो हमारे पास एक मैसेज डिस्प्ले होगा कि आपकी फ़ीडबैक के लिए धन्यवाद, और अगर हम नहीं में आंसर देते हैं तो हमारे पास एक जो फॉर्म ओपन होगा जिसमें हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमें ये पोस्ट क्यों नहीं पसंद आई और क्या इसमें हमें और ऐड करना चाहिए। तो अगर आप ही अपनी पोस्ट में इस फंक्शनैलिटी को ऐड करना चाहते हैं तो आज मैं डिस्कस करूंगी तीन प्लगइन, जिसमें एक प्लगइन फ्री में अवेलेबल है और दो प्लगइन पेड है। तो चलिए सबसे पहले हम फ्री प्लगइन देखते हैं और उसमें फ़ीचर देखते हैं कि क्या क्या फ़ीचर हैं। तो उस प्लगइन का नाम है वाज इज हेल्पफुल। इस प्लगइन को हम फ्री में डाउनलोड करके अपनी वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं। इसमें जो भी हमारी पोस्ट है आप यहाँ स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं, उसके नीचे आ जाएगा वाज इज आर्टिकल हेल्पफुल। अगर आप उसे यस करते हैं तो वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है हमारी बैकएंड में पोस्ट पर जाकर स्टोर हो जाएगी, जिससे हमें आइडिया लग जाएगा कि जो हमारी पोस्ट है, हमारा प्रोडक्ट है, कितना लोग उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं या नहीं। तो अगर नेक्स्ट प्लगइन के बारे में बात करें तो ये प्लगइन है पेड है, ठीक है। इसका जो ईयरली प्लान अवेलेबल है, इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि अपनी पोस्ट में, जैसे मैंने आपको इस एग्जांपल में दिखाया था ना कि अगर कोई यूज़र नहीं पर क्लिक करता है तो हमारे पास एक फॉर्म ओपन होगा जिसमें हम अपना मैसेज लिख सकते हैं कि ये पोस्ट हमें क्यों नहीं पसंद आई। तो इस फंक्शनैलिटी को हम फ्री के प्लगइन की हेल्प से नहीं कर सकते हैं। इसमें हमें सिंपली इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि लोगों ने हमारी पोस्ट को लाइक किया या नहीं किया, लेकिन इस प्लगइन की हेल्प से हम ये फंक्शनैलिटी को ऐड कर सकते हैं। इसका प्लान जो ईयरली अवेलेबल है, आप इस प्लगइन को अगर परचेज करना चाहते हैं तो परचेज कर सकते हैं। इस प्लगइन का नाम है वॉज इज हेल्पफुल प्रो। अगर हम थर्ड प्लगइन के बारे में डिस्कस करें तो ये भी हमें सेम फंक्शनैलिटी देता है जो हमें फर्स्ट प्लगइन देता है, लेकिन इसके जो प्लान में थोड़ा डिफरेंस है, ये हमें वन टाइम ही परचेज करना होगा, इसके लिए हमें बार बार इसको परचेज नहीं करना है। और अगर आप इसका डेमो देखना चाहते हैं तो लाइव प्रीव्यू पर क्लिक करके आप इसका डेमो देख सकते हैं। अगर आप भी अपनी पोस्ट में इस फंक्शनैलिटी को ऐड करना चाहते हैं तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्लगइन को परचेज भी कर सकते हैं या फिर फ्री के प्लगइन की हेल्प से भी ऐड कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप भी वर्डप्रेस के रिगार्डिंग वीडियोस देखना चाहते हैं या फिर कोई आपको और प्लगइन के बारे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगी उस प्लगइन के बारे में। और उसके अलावा अगर आप वर्डप्रेस के रिगार्डिंग और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मैंने बहुत सी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर रखी हैं, आप उन्हें जाकर चेक कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई सजेशन हो या फिर मेरी वीडियो में कोई कमी हो तो आप वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जाते अगर आपको वीडियो में कुछ सीखने को मिला हो तो जाते जाते मेरी वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। एक बात हमेशा याद रखना, अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की अजमाइश तो जुए में होती है।